नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपके स्वागत है। ईएसआई पोर्टल पर कैसे बैंक डिटेल्स और मोबाइल नंबर कैसे अपडेट किया जाता है, मैंने इस वाले वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को आप लोग पूरे देखते जाइए, तभी जाके आपको पता चलेगा बैंक डिटेल्स और मोबाइल नंबर कैसे अपडेट किया जाता है ऑनलाइन। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्या करना है, आपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है ESIC। उसके बाद क्या करना है, आपको सर्च बार में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ थोड़ा सा आना है, आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज अभी ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे निशान आएगा, नहीं तो आपके पास थ्री डॉट भी आ सकता है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा आना है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर्विसेज ऊपर वाले पे, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एम्प्लॉयज में क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको आईपी पोर्टल, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आईपी पोर्टल, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ओके में क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने इंश्योरेंस नंबर डालना है, ठीक है, जो ईएसआई कार्ड के ऊपर 10 डिजिट का नंबर होता है वो वाले नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ये जो कैप्चर दिखाई दे रहा है इस पर डालना है, अगर ये वाले कैप्चर आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है, दूसरा कैप्चर आपको लेना है। मैं इतना पहले फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे कुछ फिल कर दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हो, इस वाले पेज में आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लॉग इन में क्लिक कर देना है। लॉग इन में क्लिक करने के बाद आपके जो ईएसआई के जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपके नाम, आपके जो नंबर है वो सारे कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लेम क्रिएशन, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल करना है, A to Z आप लोग पहले देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ऐसे वाले पेज ओपन हो जाएगा, आपके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिखाई देगा, आपके जो इंश्योरेंस नंबर है यहाँ पे दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पे नाम, मेल, फीमेल, मोबाइल नंबर आपको ऐसे दिखाई देगा। अगर आपके पास मोबाइल नंबर अपडेट ही नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मोबाइल नंबर अपडेट का, यहाँ पे आप जैसे दिखाई दे रहा है आपको ऐड बैंक डिटेल्स, ऐसे यहाँ पे ऐड मोबाइल नंबर भी आपके पास आ जाएगा। उसके बारे में मैंने बाद में वीडियो बना के दे दूंगा आपको, मोबाइल नंबर कैसे ऐड किया जाता है। मैंने अभी आप लोगों को बता देता हूँ बैंक डिटेल्स कैसे अपडेट करना है। ऐड बैंक डिटेल्स पे जाना है, ठीक है, मैं इस पर जा रहा हूँ पहले। अब नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने बैंक के जो IFSC कोड है, 11 डिजिट का IFSC कोड होता है, वो IFSC कोड आपको क्या करना है, इस पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सर्च बार में क्लिक कर देना है। मैं पहले IFSC कोड डाल देता हूँ, अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने IFSC कोड डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में क्लिक कर देता हूँ। सर्च बार में क्लिक करने के बाद आपके जो बैंक के डिटेल्स है यहाँ पे अपने आप फेच कर लेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने अकाउंट नंबर, बैंक के अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ठीक है। माइकर कोड आपको नहीं डालना है, अगर आपके पास है तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बैंक के नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपके बैंक के ब्रांच के जो नाम है वो आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो IFSC कोड अपने आप आ जाएगा। उससे नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिलेक्ट अकाउंट टाइप, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। आपको करना है क्या है, सेविंग्स अकाउंट, अगर आपके करेंट अकाउंट है और दूसरे अकाउंट है आप कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली सेविंग्स अकाउंट होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब फिल करने के बाद आपको क्या करना है, चूज फाइल में आपको यहाँ पे अपने पासबुक के इमेज डालना है, नहीं तो चेक के इमेज डाल देना है। मैं यहाँ पे चेक के इमेज डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने चेक के इमेज यहाँ पे डाल दिया। आपको इसमें ध्यान रखना है PDF, JPG नहीं तो JPEG फाइल आपको डालना है और 200 KB के अंदर होना चाहिए, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपलोड में क्लिक कर देना है। आपको ध्यान रखना है ये सारे कुछ डिटेल सही भरना है, कोई गलत इसमें नहीं डालना है। यहाँ पे मैंने अपलोड में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद क्या होगा, हमारे फाइनल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक डिटेल्स एड सक्सेसफुल, आपको भी ऐसे ही दिखाई देगा। मैं यहाँ पे ओके क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ से बैग आ रहा हूँ, बैग जाने के बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ।
आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो बैंक डिटेल्स यहाँ पे डालने का ऑप्शन था ये यहाँ से हट चुका है। बैंक के डिटेल्स और यहाँ पे आपके पास आएगा मोबाइल नंबर, दोनों चीज़ आपके पास ऐसे आ जाएगा। उसके बाद जाके आप क्लेम कर सकते हो। पहले मोबाइल नंबर और बैंक के डिटेल्स इसमें अपलोड करना ही है। 90 दिन का आपके क्लेम करना होता है, ठीक है। 90 दिन का क्लेम करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे ऑप्शन आने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट में आपके दो पेज आएगा, दो पेज में उसमें आपके साइन होगा और आपके एड्रेस होगा और आपके मोबाइल नंबर जरूर डालना है। उसके बाद क्या करना है, इस पर सबमिट कर देना है। इस पर क्या करना है, आपके आधार कार्ड के डिटेल्स अपडेट करना है और यहाँ पे आपके बैंक के डिटेल्स अपडेट करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर देना है। क्लेम करने के बाद 15 से 1 महीने के अंदर आपके पास पैसे आ जाएगा। दोस्तों ये था छोटा जानकारी। जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।